गुरु जी, मैं आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप क्लास सिक्स के बच्चे से तेज हैं? अगर आपको लगता है कि आप तेज हैं, तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर जो है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में समझेंगे कि हमारा सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्लास सिक्स की क्लास क्वेश्चन होंगे, BCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, IAS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं कि आप कितने सही कर पाते हो। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ 20-25 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, और सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। कुछ बेसिक हैं पर अच्छी क्वालिटी के। क्लास सिक्स के जो NCERT किताब है, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। जो क्लास NCERT क्लास छठी क्लास है, उसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे लिया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि UPPCS 2020 के लिए एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर 8317040152 पर कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ में पढ़ने के लिए PDF फाइल मिलती है, और आपके ऑनलाइन टेस्ट भी आते हैं। साथ में आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट भी होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि आपको एक समय आपसे मांगा जाता है। जैसे आपने कहा कि मैं 12 बजे फ्री होता हूँ, तो 12 बजे आपको यहाँ से वीडियो कॉल की जाती है, और एक दिन पहले आपको जो होमवर्क दिया जाएगा, वो आपसे ओरली पूछा जाता है। इससे आपकी तैयारी एक तरह से होती है, क्योंकि सिर्फ ये देखा गया है कि वीडियो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, PDF कितनी भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं, याद नहीं करोगे, आप पीसेस नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाकी इन्फॉर्मेशन जो लेनी हो, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फीस बहुत नॉमिनल है, 1000 रुपीज़ पर मंथ की फीस है, तो कोई मसला नहीं है। ये मसला ये है कि आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है। समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते दोस्तों, आपको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए इंग्लिश हिंदी में है, लेकिन जहाँ टेक्निकल चीज़ें आएंगी, वहाँ मैंने इसको इंग्लिश में भी दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड, यानी कि सेलेस्टियल बॉडी होती है, बॉडीज़ हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या उल्का पिंड, यानी मीटराइट, क्या हैं? कौन कौन से इसके अंदर हैं? एक, दो, दो चार, तीन चार, या सभी? थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या लगता है आपको कि कौन से उल्का पिंड है, यानी कौन सी सेलेस्टियल बॉडी? सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है कि जो आसमान में, स्पेस में, अंतरिक्ष में रहती हैं। तो अंतरिक्ष में आपको जैसे पता ही है, वहाँ सूर्य भी रहता है, वहाँ पर चंद्रमा भी रहती है, वहाँ पे आपका पृथ्वी भी, आपका देखिए स्पेस में ही घूमता है, अगर देखा जाए तो सोलर सिस्टम का पार्ट होता है, और उल्का पिंड यानी कि मीटराइट्स भी वहाँ पर रहते हैं। तो इसका आंसर है डी, सभी कुछ यहाँ पर है। इन सब से ही, चाहे वो गैस हो, चाहे छोटे छोटे पत्थर हों, रॉक्स हों, इन सब से भी बन के एक सोलर सिस्टम बनता है, और ये सब चीज़ें जितनी भी स्पेस में रहती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड या खगोलीय पिंड कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, गैस है, रॉक्स हैं, सूरज है, चंद्रमा है, सब मिला के सेलेस्टियल बॉडी कही जाती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि किन खगोलीय पिंड, यानी मैं तारा कहा जाता है, खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी हैं? वो कौन से सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनको तारा यानी स्टार कहा जाता है? ए, जो आकार में बहुत बड़े नहीं होते हैं, बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश होता है, सी, जिनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, या डी, जिनके अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। क्या होता है, स्टार कौन से होते हैं? देखिए, स्टार है अपना सूरज, ठीक है। सबसे नियरेस्ट स्टार पृथ्वी से कौन है? सूरज। स्टार वो होते हैं जो जिनकी अपनी लाइट होती है, अपनी एनर्जी होती है। सूरज के अंदर कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, इस कारण से, उस केमिकल रिएक्शन के कारण से आपको वो लाइट देता है, एनर्जी देता है, और वहाँ से रोशनी मिलती है आपको, ठीक है। तो स्टार जिनके पास लाइट भी है और एनर्जी भी है, उन्हें हम स्टार कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये भाई, सूरज तो सबसे, आपको पता लग गया कि सूरज सबसे पास में है, नियरेस्ट जो स्टार है अर्थ के, वो है सन, और उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है अल्फा सेंचुरी, ठीक है। अब एक सवाल और बनता है कि ये जो स्टार हैं वो ट्विंकल करते हैं ना, झिलमिलाते हैं, ये क्यों करते हैं, ट्विंकल क्यों करते हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, वो ट्विंकल क्यों करते हैं? चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ, वेरियस शेप्स, क्या होती हैं? आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा, या नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशंस। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहती हैं? समझिए क्वेश्चन, उसे क्या आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है, या उसे सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, आकाशगंगा को बताएं आपका मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे कहते हैं, या सोलर सिस्टम कहते हैं, या एंड्रोमीडा कहते हैं, या कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र मंडल कहते हैं? क्या होता है, किस तरह से तारे बनाते हैं? तो दोस्तों, तारे जो है अलग अलग से शेप बनाते हैं, जिनको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, ओरियन है, उर्सा मेजर है, स्कॉर्पियंस है, उर्सा मेजर है, ये आपके
ये अलग अलग शेप्स हैं बनती है। आपको लगता है मतलब इस तरह से जो एक समूह है स्टार्स, अलग अलग स्टार्स हैं, वो एक अपना एक एक पृथ्वी से अगर देखोगे उनको तो एक 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 आकृति बनती दिखाई देती है, तो उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल यानी इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, ठीक है। अलग अलग शेप बनाते हैं, ये थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए आपको, वैसे बहुत सारे 88 लगभग हैं, ये मैंने आपको चार आपको एग्जाम्पल दिए यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित ऊर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? बिग बियर का संबंध किससे है? सोलर सिस्टम से है, कॉन्स्टेलेशन से है, एस्ट्रॉइड से है, या इसमें से कोई नहीं है? ऊर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? तो दोस्तों जैसे मैंने अभी कहा कि ऊर्सा मेजर या बिग बियर एक तरह का कॉन्स्टेलेशन है, नक्षत्र मंडल है, ठीक है। तो ये नक्षत्र 20 का आंसर होगा बी, ठीक है। ये कुछ इस तरह का शेप बना होता है, तो थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ क्वेश्चन गलत नहीं हुआ यहाँ पे, हाँ ये शूद्र ग्रह क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? दोस्तों सवाल ये होता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट या कहाँ है। देखिए जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, ये जो थोड़ा सा इसका मिलेगा कि सवाल ये पूछा था कि एस्ट्रॉइड बेल्ट पहले तो क्या है ये समझते हैं, और ये किन दो ग्रहों के बीच में है। देखिए कहा यह जाता है, अभी जो थ्योरी आई है कि जो मार्स यानी मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति के बीच में एक 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 ग्रह और होना चाहिए था, बट किसी कारण से वो ग्रह पूरा नहीं बन पाया और उसके टुकड़े जो हैं लगभग 2000 से ज़्यादा टुकड़े हैं वो मंगल और जुपिटर के बीच में टुकड़े हैं, और वो रोटेट कर रहे हैं जैसे कि आपका रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के रिवॉल्व करते हैं, पृथ्वी परिक्रमा करती है, वैसे वो टुकड़े भी परिक्रमा में, वो एक एक नहीं है टुकड़े, कुछ 2-3 हज़ार टुकड़े हैं इसके अंदर, ठीक है। जब भी कोई कुछ कुछ आपका अंतरिक्ष सेटेलाइट या कुछ एक भी आपका रॉकेट जो भी कह सकते हैं, पृथ्वी से अगर हम जुपिटर भेजते हैं या नेपच्यून या सैटर्न भेजते हैं, तो सबसे बड़ा समस्या ये एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार करना ही होता है, क्योंकि आपको हर उल्कापिंड के कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कब वो कहाँ से गुजरेगा, क्योंकि अगर छोटा सा टुकड़ा भी अगर आपके वो सेटेलाइट से आपके आपके वो जो जो मशीन भेजी है आपने उसे टकराएगा तो ख़राब कर सकता है। सवाल पूछा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है, जो मैंने बता दिया आपको कि एक तरह के प्लैनेट हो सकते थे, पर प्लैनेट के टुकड़े हैं जो पूरा गोल नहीं बन सके, पर टुकड़े के रूप में बने हुए हैं, किसी भी कारण से वो बन नहीं पाए गोल पूरा, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में रहते हैं। सवाल ये पूछ बनता है आपका, ठीक है। पांचवा था, किन खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज को प्लैनेट कहा जाता है? प्लैनेट क्या होता है? स्टार तो पता लग गया भाई, जिसका लाइट अपनी लाइट हो अपनी एनर्जी हो स्टार कहलाता है, लेकिन प्लैनेट क्या होता है? तो जो आकार में बड़े होते हैं क्या उसको प्लैनेट कहते हैं, या जिनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश होता है उसको बोलते हैं, या सी जिसके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, या जिनके पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, किसे बोलते हैं प्लैनेट? तो भैया प्लैनेट जैसे अर्थ है, इसकी कोई अपनी लाइट नहीं है, कोई अपनी एनर्जी नहीं है, ये अपने जो नियरेस्ट स्टार है उससे ही लाइट और अपनी एनर्जी लेता है, जैसे पृथ्वी जो है वो सन से लेती है। तो आंसर आपका होगा सी। अब आगे दो स्टेटमेंट, इसमें आपको बताना कौन कौन सही है। पहला स्टेटमेंट पूछता है, पहला, पृथ्वी एक ग्रह है या अपने संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, क्या सही है? और दूसरा, पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। फंसेंगे तो अब यहाँ पर, ठीक है। क्या सूरज से अगर दूरी नापते हैं तो क्या वो चौथा ग्रह है, और अपन साइज अगर नापते हैं साइज वाइज तो ये पाँच ये तीसरा बड़ा ग्रह है, क्या ये सही है? इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है? तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल, प्लैनेट जैसे मैंने आप सबको कहा कि जो पृथ्वी है वो अपनी लाइट और अपनी एनर्जी सन से लेती है, इसकी अपनी कोई लाइट और एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम पृथ्वी की दूरी नापते हैं, सन से सबसे पहले आता है मरकरी यानी बुध, दूसरा आता है वीनस यानी शुक्र, और तीसरी आती है पृथ्वी, तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी है ना कि चौथे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर है। और साइज़ की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी जो है वो पाँचवीं बड़ी साइज़ में है, पाँचवा बड़ा आकार है इसमें, ये देख लीजिए, ये फोटो देख के आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर होता है यानी बृहस्पति होता है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, फिर आपका अर्थ होता है, ठीक है। जितने गैस वाले प्लैनेट हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट आप देख रहे हो ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट इससे बाहर हैं, आउटर प्लैनेट्स इनको कहते हैं, वो गैस के बने होते हैं, और बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स, कहता है इंग्लिश में जोवियन कहते हैं, जुपिटर लाइक प्लैनेट्स, जुपिटर लाइक प्लैनेट्स को कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है, गैस से बने होते हैं, और जो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से जो अंदर होते हैं उन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं, और ये रॉक से बने होते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पाँचवा बड़ा ग्रह है। अब लास्ट में आपको देखो प्लूटो, प्लूटो क्या है, प्लूटो आपको बताना है, और प्लूटो के बाद जो होता है
वो होता है कैपलर ऑर्बिट, कैपलर बेल्ट ऑर्बिट होता है। ये भी एक तरह के एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरह होता है, ये भी छोटे टुकड़े होते हैं, वो सब होता है। तो कभी पूछ लिया जाए कि कैपलर बेल्ट ऑर्बिट क्या होता है तो बताना है, और कब कहाँ पर है तो प्लूटो के बाद है। प्लूटो एक ग्रह नहीं है, ठीक है, इसे प्लूटाइड कह दिया जाता है, क्योंकि अपना जो इसका भार है, वजन है, वो लगभग 23% वजन कम है इसका, जो प्लैनेट की डेफिनेशन दी गई है उससे। एक प्लैनेट तभी माना जाएगा जिसकी वो अपना भार, जितना प्लैनेट की डेफिनेशन दी गई थी उसके हिसाब से इसका वजन कम है, इस कारण इसको प्लैनेट से नहीं रखा माना जाता है। प्लूटो प्लैनेट नहीं है, ठीक है। आखिरी प्लैनेट जो है नेपच्यून है अपना। आगे सातवां क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम लगाइए। भैया लगाइए सही क्रम, पहला कौन सा है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। सूर्य के बाद कौन सा आता है, सबसे पहले आता है मरकरी यानी कि बुध, फिर आता है आपका शुक्र, फिर आता है आपका पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है आपका सैटर्न, ठीक है, फिर आता है आपका यूरेनस और फिर नेपच्यून, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, कौन सा इनर प्लैनेट है। दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनर प्लैनेट आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर साइड में है उसे हम इनर प्लैनेट कहते हैं, जिसके अंदर आता है आपका मरकरी यानी बुध, शुक्र यानी कि वीनस और पृथ्वी और मार्स, चार आते हैं इनर प्लैनेट में। और उसके बाद जो आता है जैसे कि बृहस्पति, और यानी कि बृहस्पति को बोलते हैं हम आपको जुपिटर, फिर सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, ये आपको आउटर ग्रह प्लैनेट हैं, ठीक है। तो आंसर, इसका आंसर होगा वन, बुध, शुक्र और मंगल, ये तीन आपके इनर प्लैनेट हैं, बृहस्पति नहीं है। बी इसका आंसर है, ये देखिए ये कुछ इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आउटर प्लैनेट बता रखा है जैसे मैंने आपको कि आउटर प्लैनेट कौन सा, बृहस्पति का आउटर प्लैनेट है, नेपच्यून एक आउटर प्लैनेट है, शनि एक आउटर प्लैनेट है और यूरेनस यानी वो भी आउटर प्लैनेट है। तो चारों ही चारों जो आउटर प्लैनेट हैं, क्योंकि एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर वाले प्लैनेट को हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फुटबॉल वीडियो सब बना रखी मैंने कि जैसे कि आपको मजा आ जाए देख के, इसको ही दिक्कत ना रहे। भैया आपने प्रॉमिस किया कि आपने कहा है कि मैं क्लास सिक्स से ज़्यादा तेज़ है आपका दिमाग, तो उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर सही दे रहे होंगे। स्पीड थोड़ी तेज़ रखी हुई है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा जल्दी लगे तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, वो आपके हाथ में है। हाँ भैया, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक कथन दिया गया उसका कारण भी दिया गया, आपको बताना है। ये आपका स्टेटमेंट और एसर्शन वाला जो एसर्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन आता है उस तरह से आया है। कथन यानी स्टेटमेंट क्या बोलता है, बुध और बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल यानी रेवोल्यूशन सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, यानी कि जो रिवॉल्व करता है बुध यानी कि मरकरी वो सबसे कम समय लेता है, क्या ये सही है, ठीक है। स्टेटमेंट बताया गया है और जो रीज़न दिया गया है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, क्या इस ये जो स्टेटमेंट है क्या पहले वाले स्टेटमेंट का रीज़न है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, दोनों ही सही हैं और जो है आर जो है ए का सही व्याख्या है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि भैया आपका जो मरकरी है बुध है सबसे पास में सूरज के रहता है और इस कारण से वो बहुत कम समय लेता है घूमने का, लगभग 88 दिन के अंदर पूरा एक राउंड मार लेता है। हम लोग कितना लेते हैं, 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे जो 3-4 साल के 6-6 घंटे मिला के हम एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, और 2020 एक लीप ईयर है। कोई भी साल लीप ईयर है या नहीं उस इस बात से डिवाइड कर मतलब पता लगाते हैं कि वो जो साल है, मतलब 2020 है, वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरह से पता लगा सकते हैं। ये है बाकी जो प्लैनेट है, मरकरी देखिए लगभग रिवॉल्व करने के 88 दिन लेता है, और रोटेट करने का मतलब है अपनी ही धुरी पर घूमना, उसे रोटेशन कहते हैं, और सूरज के चारों तरफ घूमने का उसे रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो जो मरकरी है उसको 59 डेज लगते हैं रोटेशन के, लेकिन आपके जो उसको रिवॉल्व करने की 88 दिन लगते हैं। अर्थ 24 घंटे में अपने एक्सिस में घूमती है लेकिन 365 दिन लेती है सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने के। सबसे ज़्यादा दिन जो लग रहा है वो लगते हैं आपके मार्स बहुत ज़्यादा समय लेता है, लगभग दुगना समय लेता है पूरी पृथ्वी के पूरे सन के चक्कर काटने का, लगभग अपने जो अपना सॉरी ये इनफैक्ट ये कहते हैं ना आपको ये 165 नेपच्यून 165 साल लेता है, सब बहुत दूर है, बहुत समय लेता है पूरा सूरज के चक्कर काटने में। अगर पृथ्वी के सबसे होगा तो कभी आपका बर्थडे आए ना, है ना, एक ही बर्थडे में आप पूरा जीवन काट डालो। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा कौन सा क्या है, थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा सा फैक्ट्स हैं, याद रहेगा कि कौन सा कितना समय लेता है, ठीक है, और कौन अपनी एक्सिस में घूमता है। तो आप देखोगे अर्थ और मार्स जो है दोनों अपनी एक्सिस में 24 घंटे में कवर कर लेते हैं, और लगभग सबसे कम जो है वो 10 घंटे में है। आप देखो जुपिटर इतनी तेज़ी से घूमता है कि 10 घंटे के अंदर ही पूरा वो अपने एक्सिस में घूम जाता है, वो हम लोग 24 घंटे रहते हैं, ठीक है।
सौरमंडल किन दो ग्रहों के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है? भैया बताओ, एस्ट्रॉयड बेल्ट को बता चुका हूँ मैं आपको, और पाई किस में आती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। अब नहीं बताऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देखूंगा मैं आपको, ठीक है। हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है? यूरेनियस, नेपच्यून, शनि, बृहस्पति, कौन सा है? भैया प्लूटो तो नहीं है, पहली बात तो समझ लो, प्लूटो ग्रह नहीं है, ठीक है। प्लूटो से पहले क्या आता है? नेपच्यून। नेपच्यून जिसे हम हिंदी में अरुण, सॉरी वरुण कहते हैं, वो है लास्ट ग्रह, ठीक है। वरुण को हम नेपच्यून कहते हैं, इंग्लिश में नेपच्यून है और हिंदी में वरुण है, आखिरी ग्रह है, ठीक है। चलिए अब कथन और कारण का आ गया। कथन क्या है? पृथ्वी के आकार को भूआब यानी जियोइड भी कहा जाता है। क्या पृथ्वी का आकार जियोइड है? यस और नो, ये बताना है आपको। और कारण है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास चपटी है, तो इस कारण उसको जियोइड कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, और रीजन इसका सही है नहीं? तो इसका आंसर दोनों है कि ए, जो पृथ्वी है चूंकि इसकी पोल्स ध्रुव पे थोड़ी चपटी है, इस कारण से जो शेप बनता है इसको हम जियोइड कहते हैं, यानी भू आब कहते हैं। फोटो कुछ इस तरह की आती है सेल्फी उसकी, कि जो अब ये क्यों बनता है शेप, जो है जियोइड शेप क्यों है? तो देखिए, ओशन करंट्स, जो करंट्स हैं ओशन करंट, समुद्र में जो लहरें हैं, या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा बहुत पास में है अपने सूर्य पृथ्वी के, ठीक है, तो उसका अपना एक फोर्स रहता है, प्लस अपना जो विंड्स हैं, ठीक है, तो ये सब मिला मुलू के, टाइड्स, ओशन करंट्स हैं, विंड्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सब मिला के अर्थ को एक ऐसा शेप देते हैं जिसको हम जियोइड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पोल्स हैं वो चपटे रहते हैं, ठीक है, पोल्स चपटे रहते हैं, तो उसको अर्थ को हम गोल नहीं कह सकते, इसको जियोइड कहते हैं। ये गोल नहीं है, पूरा गोल नहीं है, जियोइड है, यानी पोल से चपटा हुआ ये। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अंतरिक्ष में देखने पर अर्थ हरे रंग की दिखाई देती है। अगर आप अंतरिक्ष में हैं तो क्या, जब आप देखेंगे, जब आप मानो अंतरिक्ष में हैं और जब आप अर्थ को देखोगे तो क्या हरे रंग की दिखाई देगी? क्या सही है, गलत है? और दूसरा, पृथ्वी पर हरा रंग हमें यहाँ के वनों का दिखता है, और अगर आपको हरा रंग दिखता है तो वो चूंकि पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ हैं, इस कारण से आपको पृथ्वी हरी दिखती है। तो आप बताना कि सही कौन सा है। तो दोस्तों, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। अगर आप पृथ्वी पे जाओगे, अंतरिक्ष पे जाओगे और आप पृथ्वी पे देखोगे, तो पृथ्वी पे क्या होगा, पृथ्वी की हरी नहीं, आपको नीली दिखाई देगी, ब्लू, ठीक है, ब्लू दिखाई देगी, नीले रंग की दिखाई देगी पृथ्वी। और ये कारण जो है, ये आपको जो सूर्य ओशन समुद्र महासागर के कारण दिखता है आपको, ठीक है। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? सौरमंडल, सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? ग्रह आते हैं, बिल्कुल आते हैं, उपग्रह यानी सैटेलाइट्स आते हैं, सूर्य बिल्कुल आता है, उल्कापिंड ये भी आते हैं, ठीक है, तो सभी मिला के आपके सौरमंडल बना देते हैं, ठीक है। 16वां क्वेश्चन, कौन सा सत्य है भैया? पहला, सूर्य का खिंचाव ग्रेविटेशनल पुल सौरमंडल को बांध रखता है। सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पुल है, जो फोर्स है, वो पूरे सौरमंडल के सभी उसको बॉडीज़ को बांध के रखता है। अगर अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी तो सारे जो इतने बॉडीज़ हैं, चाहे अर्थ हो चाहे कुछ भी हो, सब छिटक के दायरे में चले जाएंगे, लेकिन सूरज का इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि दोनों को सबको पकड़ के रखता है। क्या सही है? दूसरा, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। कि जो सूरज है उस वो पूरे सोलर सिस्टम को लाइट भी देता है, एनर्जी भी देता है। क्या सही है? तो बिल्कुल दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, सौरमंडल का के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिनके उनके रास्ते किस किस प्रकार के होते हैं? जो हमारा मतलब अर्थ है, ठीक है, सूरज के चक्कर काटती है, तो जो पाथ है जो बनाते हैं सूरज चक्कर, तो वो किस तरह का होता है? क्या वो सर्कुलर पाथ होता है, क्या वो इलिप्टिकल पाथ होता है, क्या वो स्मॉल सर्कल होता है, क्या होता है? तो दोस्तों, जो सूरज पृथ्वी, अगर पृथ्वी की एग्जांपल लेते हैं, या कोई भी ग्रह, मैं पृथ्वी एग्जांपल ले रहा हूँ, पृथ्वी या कोई भी ग्रह सूरज चक्कर काटता है, वो पूरे सर्कुलर मोशन में नहीं काटता है, पूरा गोल गोल नहीं घूमता है, थोड़ा सा थोड़ा फैल घूमता है, जिसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल, इलिप्टिकल पाथ कहते हैं हम, दीर्घवृत्ताकार होते हैं। इलिप्टिकल क्या होता है, ये देखिए, आपका गोल तो क्या होता है कि एक तो कि बीच में सेंटर हो गया और चारों तरफ इसका जो रेडियस है वो बिल्कुल बराबर बराबर है, लेकिन जब आप इलिप्टिकल होते हैं तो आप देखोगे कि एक तरफ थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस होता है और दूसरी तरफ थोड़ा कम होता है। तो अर्थ जो है वो इलिप्टिकल पाथ में सूरज के चक्कर काटती है, ना सिर्फ अर्थ बल्कि बाकी सभी बॉडीज, जितनी सोलर बॉडीज हैं, चाहे जितने प्लैनेट हैं, वो सब इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा आप ये समझिएगा, देखिए ऑप्शन देखिए और राइट हैंड साइड पे देखिए कि जो अगर 3 जनवरी को पैरी, अच्छा अब आता है क्वेश्चन, पेरिहेलियन क्या होता है, एपिहेलियन क्या होता है? तो पेरिहेलियन का वो जगह होती है जब अर्थ सूरज के सबसे नज़दीक होती है। तो जब 3 जनवरी को जो अगर हम देखें तो अर्थ जो है वो सूरज के सबसे पास में होती है, ठीक है, तो उसको पेरिहेलियन कहते हैं। और जब अर्थ सूरज के सबसे दूर होती है उसको हम बोलते हैं एपिहेलियन कहते हैं। वो होता है आपका 21 और 22 जून को होता है, ठीक है। ये सवाल पूछा भी आता है कि पेरिहेलियन क्या है, एपिहेलियन क्या है, सॉलिस्टिस क्या है, ये सब आप पढ़िएगा चीज़ को, ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहता है, ट्विन प्लैनेट किसे कहता है, जुड़वा कौन सा है अर्थ का? तो अर्थ का दोस्तों जुड़वा जो भाई या सिस्टर कहते हैं, ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, वो है शुक्र यानी कि वीनस, ठीक है। अब देखो साइज देखो, दोनों की शक्ल एक जैसी मिलती है, दोनों का सेज साइज एक जैसा है, तो ट्विन ग्रह हो जाता है उसको। अच्छा मार्स में कंफ्यूज मत होना, मंगल नहीं होता है, वीनस होता है, ठीक है, मंगल आंसर नहीं है इसका। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, पृथ्वी सबसे पास में कौन सा है, बुध शुक्र शनि चंद्रमा। अच्छा सबसे निकट कौन है, ग्रह नहीं सबसे निकट कौन है, तो सबसे निकट तो चंद्रमा ही है भाई अपना, ठीक है। और ग्रह सॉरी निकटतम ग्रह की बात कर रहा है, तो निकट चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्र का सैटेलाइट है, और सबसे जो पास पृथ्वी के मिलता है वो है आपका शुक्र यानी कि वीनस, ठीक है। कोई क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह तो भैया बुध है अपना मरकरी, ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, ठीक है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है, क्लॉकवाइज होता है? सॉरी, देखिए जो प्लैनेट्स हैं एक तो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी ही एक्सिस में घूमते हैं, अपनी ही ध्रुव ध्रुव कहते हैं। तो सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बट दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे जो सुई होती है घड़ी की सुई, जिस तरह से डायरेक्शन घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, उस तरह से सूर्य होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, जो अर्थ है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रह हैं जो जिनका रोटेशन उल्टा है, क्लॉकवाइज है? तो वो हैं आपके, एक है आपका शुक्र है, दूसरा आपका वरुण है। मैं आपको फोटो भी दे दी है, ये देखिए, अगर आप वीनस देखोगे, अगर आप इनके एक्सिस देखोगे तो ये उल्टी एक्सिस है, अर्थ से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और एक आपका यूरेनस है, ठीक है, ये भी आपके बिल्कुल वीनस और यूरेनस यानी कि शुक्र, ठीक है, और वरुण, ये आपके अरुण, ये दोनों हैं ऐसे हैं जो अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए आप वीनस को देखिए और अर्थ को देखिए, दोनों का देखिए डायरेक्शन अलग अलग है। तो अर्थ है या मार्स है या जुपिटर है वो एक तरह से घूम रहे हैं, लेकिन जो वीनस है और जो यूरेनस है दोनों अलग तरीके से घूम रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो घूमते हैं वो वीनस और यूरेनस है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बृहस्पति शनि तथा यूरेनस दो के चारों ओर छल्ले हैं, बृहस्पति शनि और यूरेनस के चारों छल्ले हैं, छल्ले हैं रिंग्स हैं, आपको लगता है बृहस्पति के शनि के और यूरेनस के खिलाफ छल्ले हैं। दूसरा, यह छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं, इन दोनों में से कौन सत्य हैं? तो देखिए देखिए आपके चार ग्रह ऐसे हैं जिनके के आपके छल्ले बने हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से छल्ले हैं, जुपिटर, यूरेनस, यूरेनस सैटर्न, ठीक है, और नेपच्यून, ये चारों जो ग्रह हैं इनके चारों तरफ आपको दिख जाएगा, एक रिंग तक दिख जाएगी, छल्ले दिखाई देंगे। ये छल्ले क्या होते हैं, गैस है रॉक्स है, इनसे बने हुए होते हैं ये, ठीक है। भले ही आपको जुपिटर में दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन ये बहुत हल्के हल्के होते हैं, ये मान लिया गया है। सिर्फ जो सैटर्न है शनि है, इसके छल्ले आपको बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, बहुत गाढ़े हैं, बट बाकी जितने भी हैं, चाहे नेपच्यून हो, चाहे यूरेनस हो, चाहे जुपिटर हो, इसके हल्के हैं बट हैं। बाकी ध्यान, चार जो ग्रह हैं इन चारों के ग्रह पे रिंग्स होती हैं, ये सच्चाई है, ठीक है। इसको ऐसे शनि मत मान लीजिएगा, चारों होते हैं, और ये रॉक से और आपका आइस चूंकि सूर्य से बहुत दूर हैं तो इसके कारण ये रिंग्स बनते हैं, ठीक है। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? भैया सैटेलाइट किसके पास है, किसके पास नहीं है? बुध के पास सैटेलाइट है, आपको लगता है बुध है, शनि है, शुक्र है, यूरेनस, इन किसके किसके पास?
अपना चंद्रमा यानी सैटेलाइट या मून नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे दो ग्रह हैं शुरू के आपके बुध और शुक्र यानी कि मरकरी और वीनस, इनके अपने सैटेलाइट नहीं होते हैं, बाकी सबके सैटेलाइट हैं। हमारे पास जो सैटेलाइट है उसको कहते हैं मून, ठीक है। बाकियों के भी अपने खूब सारे मून होते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा इसमें कि किसके पास कौन सा मून है, क्या है, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे बड़ा मून कौन सा है, और कभी पूछा भी गया है कि जैसे कि अलग अलग मून होते हैं तो पूछ लेंगे कि भैया ये बताओ, टाइटन है, टाइटन के पूछ लेंगे कि भैया वो जुपिटर का मून है कि वो यूरेनस का मून है या सैटर्न का मून है। तो इस तरह का सवाल आपसे कई बार पूछे जाते हैं। नीचे दिए गए ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है, सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है, शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस, सबसे ज़्यादा मून किसके पास है। तो दोस्तों जो जुपिटर है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट उसके मून उसके पास है, उसके पास 62 उसके पास अपने मून है, 62 मून है, ठीक है। और बृहस्पति के पास 69 है, शनि के पास 62 है, बृहस्पति के पास 69 है, मंगल के पास 2 हैं, अर्थ के पास 1 है, यूरेनस के पास 27 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मून किसके पास है, जुपिटर के पास, बृहस्पति के पास। ये देखिए मून, अब देखिए मैं फोटो बना रखी है, ठीक है। मरकरी 0, वीनस 0, अर्थ 1, मार्स 2, जुपिटर 66, सैटर्न 62, यूरेनस 27, नेपच्यून 13। और नाम भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे अर्थ का तो मून हो गया, मार्स को बोलते हैं फोबस और डेमस, पूछ लेंगे फोबस किसका है, डेमस किसका है, जुपिटर के ईओ, यूरोपा, गैरीमेडियस कई बार पूछे गया, जेनीमेडियस कई बार पूछे गए, ठीक है। और सैटर्न के माइनस, ठीक है, थीटिया, डियोन, रिया, टाइटन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि किस, थोड़े दो चार याद कर लीजिएगा जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए, जैसे कि खासकर इसके जुपिटर के ईओ, यूरोपा और गैनीमेड, इनको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। इधर टाइटन का पूछ लीजिएगा, टाइटन जो है वो सैटर्न का है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पहला है उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जो उपग्रह है सैटेलाइट यानी मून जो है वो अपने ग्रह के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, साथ ही साथ वो सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, क्या सत्य है ये। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, क्या ये सही है। दोस्तों पहला स्टेटमेंट सही है आपका, लेकिन दूसरा साइड नहीं है। पहली बात तो देखिए, जैसे जो सैटेलाइट होता है यानी जो मून होता है वो जिस अपने ग्रह के तो चक्कर काटता है, साथ में आपके वो सूर्य के भी चक्कर काटता है, जैसे कि हमारा मून काटता है, ठीक है, ये सही है। लेकिन जो चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा है, उसका जो डायामीटर है वो अर्थ से आधा नहीं है, वो 1/4 है, 1/4 है। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी से कहते हैं, अगर अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ और मून की बात करते हैं, तो मून की कितनी होगी, अर्थ के कंपैरिजन में मून की ग्रेविटी कितनी होगी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री यानी फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन है, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, पाणिनी, कणाद, आर्यभट्ट या नागार्जुन, इनमें से एस्ट्रोनॉमर सबसे विश्व कौन सा है। तो आर्यभट्ट जो हैं वो हमारे एस्ट्रोनॉमर है, पाणिनी जो है और कणाद या नागार्जुन ये एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, सिर्फ आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। ए है असर्शन, देते कथन जो है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्या सत्य है कि हम सिर्फ पृथ्वी से अगर खड़े होकर देखते हैं तो चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है, और चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने वाले समय से लगने वाले समय से अधिक होता है, क्या सही है क्या सही नहीं है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट सही है कि हम अगर पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हम चंद्रमा का एक ही फेस देख पाते हैं, हम उसका दूसरा फेस नहीं देख पाते हैं। जब आप चंद्रयान 2 जब गया है, ठीक है, तो वो उसी इलाके में गया था जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अच्छा अब हम एक ही फेस क्यों देख पाते हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी के घूमने की अपने एक्सिस पे घूमने की और चंद्रमा के हमारे एक्सिस पे घूमने की जो स्पीड है वो बराबर है, इस कारण से हम एक ही डायरेक्शन देख पाते हैं, उसका दूसरा नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पदार्थ पत्थरों के छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं, ठीक है, क्या ये सही है कि सूर्य के चारों जो चक्कर काटते हैं उनको हम उल्का मीटराइट्स कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो लाखों तारों के समूह है को हम मिल्की वे कहते हैं, क्या सही है। दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, क्योंकि जो उल्कापिंड होते हैं वो सूर्य के चक्कर भी काटते हैं, और आकाश गंगा में एक पूरी लंबी सी प्लेट है वो चारों तरफ घूमती है इसके अंदर, ठीक है, ये होता है। तो दोस्तों ये पूरे हमने 28 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्लास 6 के क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे।
सिक्स क्लास में ज्योग्राफी में चैप्टर वन में जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको 28 क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उस चैप्टर के पूरे कर लिए हैं। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन आप करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में करना चाहते हैं, तैयारी आपकी अच्छी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, पूरा मटेरियल आपको मिल रहा है, तैयारी कराई जा रही है, आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी। फीस बहुत ही नॉमिनल है आपके, आपको लोगों को देखते हुए मात्र 1000 रुपये पर मंथ की फीस रखी हुई है, और आप 8317015 पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।